रोहित उनकी फ्लाइट लैंड कर चुकी है, दे विल रीच बाय 11. सो मुझे आज ये डील क्लोज करनी ही करनी है किसी भी हाल में, ठीक है. मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ आधे घंटे में. जस्ट मेक श्योर एवरी थिंग इज इन प्लेस. वी कांट अफोर्ड टू लूज एनी मोर टाइम ऑन दिस. ओके, गेट इट रेडी, आई विल बी देयर इन अ बिट. सी यू, बाय. विक्रम सर, डेफिनेटली. हाँ हाँ, आपने एक बार बोल दिया बस. अनन्या मी वी बोथ आर गोइंग टू बी देयर. अरे, गोज विदाउट सेइंग सर. ऑल राइट, राइट, सी यू. हाँ, आप बोल. पहले आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट तो कर लो. सॉरी यार, कॉल थी खत्म. और हाँ, सेकेंडली, वो एचआर को क्या बोलना है? एचआर? बताया तो था आपको, वो एचआर का कॉल आया था ना जॉब के लिए, तो क्या बोलूं? अनन्या, यू स्टिल स्टक ऑन दैट? 50,000 एक रुपए के लिए क्या नौकरी करने की रट लगा रखी है तुमने? Listen, I can understand before marriage you had responsibilities, you had to work, but you married into a family where you don't need to do these things anymore. तुम क्या ज़रूरत है? Vikram, I can understand that, लेकिन मैं भी तो contribute करना चाहती हूँ ना घर में. Nanya, mom, dad, मेरे business partners, सब ना मजाक उड़ाएंगे मेरा. उल्टा मुझे सुनाएंगे बीवी से काम करा रहा है. सुनो, कल पार्टी है. वी बोथ हैव टू गो. जस्ट गो टू द सैलून टुडे, रिलैक्स, गेट रेडी, गो आउट विद योर फ्रेंड्स. ये पैसे कमाने का काम मेरे पे छोड़ दो ना. क्यों टेंशन लेती हो? चलो, आई थिंक आई शुड हेड आउट नाउ, आई विल गेट लेट. और बड़ी डील क्लोज होनी है. आई विल सी यू, बाय. या, बाय. Watch. कविता? हाँ जी मैम, सेटअप कहाँ पे कर दूँ? आप ऐसा करो, नीचे सोफा पे सेटअप कर दो, मैं आती हूँ. ठीक है. सेटअप कर लिया सारा? हाँ जी. मैम, आपका मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल तीनों होगा ना? हाँ, तीनों है. मैं बस ना अपने हस्बैंड को मैसेज करके बता देती हूँ. हाँ, उन्हें कह दो, और जाते जाते बहुत लेट भी हो जाएगा तो तुम्हें पिकअप कर ले. तो नहीं नहीं मैम, वो तो मैं ऑटो से खुद चली जाऊंगी. वो क्या है ना, मेरे बिना खाना नहीं खाते हैं, तो उन्हें बस वही बता रही हूँ. आपका नेल पेंट रिमूव कर देते हैं. मैम, वैसे रिंग तो बहुत प्रिटी है आपकी. थैंक यू. अरे, वैसे रिंग तो तुम्हारी भी बहुत प्यारी है. मैम, गोल्ड की है, मेरे हस्बैंड ने दी लास्ट मंथ, पर मैंने बोल के मुझे डायमंड की चाहिए. वो क्या है ना, लॉकडाउन के टाइम पे उनका ट्रैवल का काम थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था, पर अब सब ठीक है. तो मैंने बोला मुझे सरप्राइज दो जल्दी से, हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है. मैरिज वाली नहीं, डेटिंग वाली. अच्छा, लव मैरिज है? हाँ जी. घर वालों ने बहुत नाटक करे लेकिन मना लिया हमने. आपकी? अरेंज्ड. खुश रहना चाहिए मैम, लव हो या अरेंज. वैसे मैम, आपका घर बहुत अच्छा है. थैंक यू. आप और सर अकेले रहते हो यहाँ पे? हाँ, मतलब अकेले ही रहते हैं. मेरे इन-लॉज मुंबई रहते हैं, तो कभी कभी आते रहते हैं वो भी. मैम, वैसे आपके यहाँ पे जो मार्केट है, वहाँ पे एक शॉप का रेंट कितना होगा, आपको कुछ पता है? शॉप का रेंट मुझे तो नहीं पता ऑनेस्टली, लेकिन इफ़ यू वांट आई कैन आस्क विक्रम. मतलब अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ के पता करती हूँ. पैसे चाहिए किसे? मैम, वो मैं अपने लिए ही पूछ रही हूँ. वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि 2 महीने में अपना पार्लर खोल लूँ,
तो इसलिए पूछती पूछती रहती हूँ उन सबके बारे में। अच्छा मतलब अपना पार्लर, वाह वेरी गुड। वैसे एक बात पूछूं अगर बुरा ना मानो तो? नहीं नहीं पूछिए। अभी जैसे तुम बता रही थी मुझे कि तुम्हारे हस्बैंड का काम भी अच्छा है और तुम्हारी लाइफ भी कंफर्टेबल है, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? मैम काम तो हस्बैंड का अच्छा चल रहा है ना, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि लॉकडाउन के टाइम पे उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, उस टाइम मेरी इसी कमाई से हमारे घर की बहुत मदद हुई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो फिर तुम्हारे इन लॉज, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है? अब मैम सबकी सुनते रहेंगे तो अपनी कब करेंगे। एक बात बोलूं आपको, जब औरतें ना मिस से मिसेस बन जाती है ना, तो अपने आप को ना कहीं खो देती हैं, और मैं वो पहचान कभी खोने नहीं देना चाहती। पहचान खोने नहीं देना चाहती थी मतलब? मतलब बचपन से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं और मैं उन सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहती हूँ। ये चेंज करना है पानी। हाँ यहाँ पे है वॉशरूम स्ट्रेट। हेलो अनन्या, कल पार्टी में जाना है तुम्हें याद है ना, और नेक्स्ट वीक हमें मालदीव्स के लिए निकलना है, तो पैकिंग कर लेना उसके लिए। विक्रम हाँ, दरअसल हमारी सुबह वाली बात पूरी नहीं हुई थी, मैंने बहुत सोचा एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम टेकिंग अप दैट जॉब। अनन्या पर क्यों? विक्रम मैं जानती हूँ कि मेरी 50-60 हज़ार रुपये की इस नौकरी से शायद इस घर में कोई डिफरेंस ना आए, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ अपने लिए। लेकिन अनन्या हमने इस बारे में बात करी थी ना। विक्रम एक बार घर आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। मैम ये वाला हाथ कर लीजिए। वैसे कविता